हेलो गाइस, तो आप लोगों का एक बार फिर से बीएसवी स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो 2 फरवरी को जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका मैं पूरा आंसर ऑब्जेक्टिव आंसर बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी ज़्यादा इजी था और ऑब्जेक्टिव जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी पूछे गए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो 70 में 70 ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट है जो 2 फरवरी को बीएसवी क्लास 12th का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मिलाना चाहते हैं कि कितना मेरा सही हुआ है, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको दोस्तों सारे करेक्ट आंसर बताऊंगा, 100% सही सारे आंसर मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला का जो आंसर हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, विद्युत तीव्रता का ऐसा यूनिट, मतलब द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है ना, तो हमारा एक का बी आंसर हो जाएगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। 2 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे आ जाइए। उसी तरह दोस्तों, हमारा 3 का जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाइए। 4 का हमारा दोस्तों ए हो जाएगा। 5 का हमारा डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आ जाइए दोस्तों। उसी तरह हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, एम्पियर घंटा मात्र किसका होता है, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल हो जाता है। नीचे आ जाइए दोस्तों। उसी तरह दोस्तों, हमारा 7 का हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सारे करेक्ट आंसर बताऊँगा दोस्तों। 8 का हमारा 0.25। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। पी बराबर आपको पता होगा दोस्तों, लेंस की क्षमता बराबर 1/f हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पे आपको क्या हो जाएगा, हमको f निकालना है। ठीक है, तो f निकालना है तो 1/4 भाग की 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारा 8 का जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे बनाए हुए हैं, तो आपको डाउट नहीं करना है। 9 का मेरे से नहीं बना, जो मेरे से नहीं बना वो मैं नहीं बताऊँगा, गलत आंसर बिल्कुल भी बताऊँगा नहीं, जो भी सही है सही आंसर बताने की कोशिश करूँगा। 10 का हमारा ए हो गया। ठीक है, नीचे आ जाए दोस्तों। उसी तरह यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, 11 का देख लीजिए, 11 का हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाए दोस्तों, 11 का मैंने बता दिया। 12 का देख सकते हैं, 12 का इसी तरह दोस्तों हमारा जो हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम्ब होता है, मतलब कि 12 का हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आ जाइए दोस्तों, उस तरह नीचे आ जाइए। 13 का मैंने बनाया नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, जो मैंने नहीं बनाया वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। 14 का हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी तरह 15 का हम बता देते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आ जाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आदर्श मीटर जो होता है क्या होता है दोस्तों, अनंत हो जाता है। ठीक है, अनंत या शून्य होगा, 2 इसमें मार लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो है ना, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वेबर होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वेबर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा टेस्ला हो जाता है। यहाँ पे आज ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, लेंज नियम यहाँ पे हमारा हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का सी, जो मैं बता रहा हूँ वही आंसर होगा, दूसरा कोई भी नहीं होने वाला है। ठीक है, नीचे आ जाइए। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। 23 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आ जाइए। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कूलम्ब नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए देखिए आर क्यू होता है नीचे में, हमेशा याद रखिएगा, ये आर आर कटता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आर स्क्वायर कर देते हैं, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का हमारा ए हो जाएगा। नीचे आ जाइए। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, किसी चालक की धारिता, आपको कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, क्यू बराबर सी वी होता है, तो यहाँ पे हमारा सी पूछा जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 25 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे मैं 26 का बता देने वाला हूँ। 26 का हमारा ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब यू बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता है, मतलब 26 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, और 27 का मैंने बनाया नहीं, तो दोस्तों मैं आपको गलत बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगा। वैसे यहाँ पे दोस्तों किसी ने मेरे को बताया सी बराबर एन स्क्वायर सी वन, तो ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिला सकते हैं, सही है वो। उसी तरह यहाँ पे 28 का हमारा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आ जाइए दोस्तों, 29 का हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, धमनी तरंगे। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन। चलिए मैंने 30 का नहीं बनाया, नीचे आ जाइए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है एच बाई वी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों नीचे आ जाइए, चलिए उसी तरह आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, दृश्य धारा के लिए प्रेरित, मतलब यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाइए, 34 का ए हो गया। उसी तरह नीचे आ जाइए दोस्तों, उसी तरह मैंने आपको बता दूँ, 38 का हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, 38 का ए हो गया, और 41 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 41 का भी ए हो जाएगा। नीचे आ जाइए, उसी तरह 42 का हमारा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी, डब्ल्यू बराबर एम बी इंटू 1 − cos θ होता है। ठीक है, 42 का हमारा सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए दोस्तों, ये तो काफ़ी ज़्यादा सरल सूक्ष्म नर्तकी आवर्तक, मतलब ये बी हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाता है, 1 + d/f हो जाता है, बिल्कुल आना चाहिए आपको, रटा होना चाहिए। 43 का हमारा बी हो जाएगा। उसी तरह नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे देख लेते हैं,
नीचे काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे प्राकृत होते हैं, मतलब ये अनुप्रस्थ भी होती है, अनुदैर्घ्य मतलब ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल दोनों होता है, तो मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 48 का भी सी हो जाएगा, नीचे आ जाइए, और यहाँ पे हमारा 49 का हमारा क्या हो जाने वाला, 49 का हमारा बी हो जाएगा, चलिए नीचे आ जाइए 49 का भी। 50 का दोस्तों मैंने बनाया नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले बता दिया। और यहाँ पे हमारा 52 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नीचे आ जाइए, 52 का बी हो गया। 54 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो गया, नीचे आ जाइए, चलिए और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उसी तरह हमारा 56 का सी सॉरी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नीचे आ जाइए। और ये तो यार काफ़ी ज़्यादा आसान है, ई बराबर एम सी स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, क्या हो जाता है ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर थोड़ा घुमाया एम सी स्क्वायर बराबर ई कर दिया था। 57 का हमारा सी नंबर ऑप्शन, नीचे आ जाइए दोस्तों। उसी तरह हमारा 58 का हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाइए। और यार ये देख सकते हो नैंड गेट पूछा गया, तो आपको देखिए अगर एंड गेट पूछा जाता तो हमारा ए हो जाता, ठीक है। अब नैंड पूछा जा रहा है मतलब नोट प्लस क्या हो जाएगा एंड, तो इसका क्या हो जाता है हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 59 का हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह आप देख सकते हैं 60 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नीचे आ जाइए। चलिए दोस्तों हो ही गया, अब यहाँ पे 61 का हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाइए। 62 का भी हमारा ए हो जाएगा, चलिए नीचे आ जाइए। और हमारा यहाँ पे 63 का आपको बायोट सावर्ट का नियम पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, डी बराबर म्यू नोट बटा 4πIdl क्रॉस आर बटा आर क्यू, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 63 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों 64 का हमारा देख लग से मैंने बनाया नहीं, 65 का मैंने बनाया करेक्ट है, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, नीचे आ जाइए दोस्तों। नीचे जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, 67 का हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 67 का बी हो गया। और 68 का आपको बता, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है क्या होता है, रियल और उल्टा होता है, मतलब वास्तविक और उल्टा होता है, मतलब 68 का हमारा बी हो गया, ठीक है। उसी तरह नीचे आ जाइए, 68 का मैंने बता दिया, 69 का मैं बता दूंगा बी होगा, काफ़ी ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पे तो आपको पता होगा फॉलोइंग द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए होता है, यहाँ पे होगा पर किरणन होता है, तो चलिए 70 का हमारा ए नंबर। चलिए मैंने सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, चलिए थोड़ा सा मैं सब्जेक्टिव में बताया, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आसान थे, तो किसी को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, इस बार जो है परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो आएगा। चलिए मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, तो चलिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं गॉस थ्योरम भी पूछा गया, इसको प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पे प्रूव भी कर दिया गया है कि थोड़ा सा मैंने फिगर बनाया, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप फिजिक्स में जितना भी बनाए होंगे तो आप पूरा जो है मिला लीजिएगा, तो कल मैं आपको केमिस्ट्री का डालने वाला हूँ, ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ है आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।